आज मैं आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये स्टेप टेस्ट जो है ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या जिसे हम एरोबिक फिटनेस कहते हैं उसको जानने के लिए होता है कि हमारी फिटनेस क्या है। ये स्टेप हम घर में बड़े आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। इस स्टेप को कंडक्ट करने के लिए हमें एक हाइट या एक बेंच चाहिए जो मेल्स के लिए 20 inches और फीमेल्स के लिए अबाउट 16 to 17 inches होती है। हमको कुछ ज़्यादा बड़ी काम नहीं करना है, हमें 5 मिनट के लिए स्लो स्पीड पे मतलब सिर्फ 30 steps 30 cadence पे हमारे को उस पे 5 मिनट तक के लिए हमें उस पे स्टेप्स करने हैं जिसमें हमारा हर समय सेम लेग ऊपर आएगी। 5 मिनट में करने के बाद हम लोग बैठ जाएंगे और बैठने के बाद जब हम लोग स्टॉप वॉच जैसे क्लॉक स्टॉप करेंगे उसके 1 मिनट के बाद हम 30 seconds के लिए अपनी पल्स चेक करेंगे और नोट कर लेंगे कि 30 seconds में क्या पल्स थी। फिर हम 2 minutes पे दोबारा पल्स चेक करेंगे, दैट मीन्स 1 मिनट से शुरू किया पल्स चेक करना, 1 minute 30 seconds तक पल्स चेक किया, फिर हम 2 मिनट्स तक पल्स पे चेक करेंगे 2 minute 30 seconds तक, और फिर हम 3 मिनट्स पे चेक करेंगे 3 minute 30 seconds तक। हम ये तीनों चीज़ें जो हैं तीनों पल्स हैं जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। आप ये डेटा उस फार्मूला में जब डालेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। उस स्कोर को मेरे बताए हुए टेबल से जब आप कोरिलेट करेंगे आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या है या एरोबिक फिटनेस क्या है। तो आइए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो करीबन 9.5 inches तक बैठ रहा है, दैट मीन्स मेरा 2 जो होंगे स्टेप्स वो करीबन 20 inches पे 19 inches पे बैठेंगे। तो मैं ये अपना जो टेस्ट करूंगा वो अराउंड 19.5 inches पे करूंगा। आपका 1 inch तक का आप बफर लगा सकते हैं। हमने फर्स्ट ये 2 steps चूज किए हुए हैं हमारे टेस्ट के लिए और हम लोगों का टाइमर है। हम इस टाइमर को स्टार्ट करेंगे और 1 मिनट में 30 steps लेंगे। हमेशा सेम फुट ऊपर करेंगे ये टेस्ट ना, ये हम 5 मिनट तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया और अब हमारे 5 मिनट पूरे हुए। अब हम टाइमर फिर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिया है। अब हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे और 1 minute to 1 minute 30 seconds में आप किसी की हेल्प लेकर अपनी पल्स चेक करवा सकते हो। सो हमारा 1 मिनट पूरा होने वाला है। सो हम काउंट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमारा 30 seconds पूरा हुआ है। अब हम 30 seconds के लिए रेस्ट लेंगे, दैट मीन्स 1:30 to 2 minutes तक के लिए, और फिर 2 से 2:30 तक दोबारा पल्स कैलकुलेट। सो हम लोग 2 से 2:30 तक चेक करने वाले हैं, पूरा होने वाला है। अब हम 2:30 से 3 minutes तक फिर वेट करेंगे। ओके, 3 से 3:30 तक फिर चेक करेंगे और हमारी रीडिंग्स पूरी हो जाएंगी। ओके, सो हमारी रीडिंग्स पूरी हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको फॉर्मूलाज में कैसे डालना। ओके, सो फाइनली फिटनेस इंडेक्स स्कोर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, हमने कितनी टाइम एक्सरसाइज किया सेकंड्स के अंदर। हमने 5 मिनट किया था तो 5 minute into 60 seconds 300 seconds के लिए किया था। अगर कोई आदमी 5 मिनट के लिए नहीं कर पाता है, 4 मिनट के लिए कर पाता है, तो आप 4 into 60 करेंगे तो 240 लिखेंगे, और 3 मिनट के लिए कर पाता तो अकॉर्डिंगली आप टाइम सेकंड में लिखेंगे। इसको डिवाइड करना है हमने 2 multiplied by जो हमारी 3 रीडिंग आई है उसको ऐड करके उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और टोटल को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारी 3 रीडिंग जो थी वो ये थी कि 1 minute पे 2 minutes पे 3 minutes पे जो हमने रीडिंग ली वो हमारी 58, 49 और 44 आई थी। तो हमने इनको फॉर्मूला में डाला जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए 100 इंटू हमने 300 seconds के लिए किया था, 2 multiplied by हमने तीनों चीजें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हमारा टोटल स्कोर जो है वो 99.3 आया। ये जो है वो टोटल फिटनेस इंडेक्स टेबल है जो मैंने आपको बताया था जिससे आपको ये रीडिंग कंपेयर करनी है। बेसिकली अगर आपका स्कोर 90 से ज्यादा है तो आप एक्सलेंट में हैं, आपका 80 to 90 है तो गुड या अबव एवरेज, 65 to 79.9 में एवरेज, 55 से 64.9 में बिलो एवरेज, और 50 less than 55 में पुअर। फीमेल्स के लिए ये डेटा अलग है जो मैंने टेबल में दिखाया हुआ है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर किसी की हाइट वेरिएशन है, कोई ज़्यादा टॉल है या ज़्यादा शॉर्ट है, तो उस हिसाब से अपने स्टेप्स को की हाइट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली टू गेट द करेक्ट डेटा। नाउ इसका
बहुत बढ़िया तरीका है ये एक अपनी फिटनेस को जानने का। इसमें कोई आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी इक्विपमेंट के जान सकते हैं। आपके रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। 5 मिनट की एक्सरसाइज की, 3 साढ़े 3 मिनट वेट किया आपने तो 8.5 मिनट में आपको अपना जवाब मिल गया। ये आप जो है बड़े आराम से कर सकते हैं और बिना किसी कठिनाई के कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 मिनट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फिटनेस कम है, तो आप चाहें तो 5 मिनट से कम में कर लें और अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूला में अमेंड कर लें। एक ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए कम से कम 5 मिनट करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। और आप जो है ये जो फिटनेस है ये बार बार चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी फिटनेस इंप्रूवमेंट क्या है। तो आप हर महीने भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये हार्वर्ड इंडेक्स प्रोसीजर कैसे करना है। और अगर अभी भी किसी के सवाल हैं तो आप प्लीज पूछिए, मैं आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा। थैंक यू, हैप्पी रनिंग।